ओके अभी हम देखेंगे कि ओबीएस प्रोजेक्ट को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले तो आपको ये यूआरएल पे जाना है और फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है विंडोज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक दूसरा टैब खुलता है, इसमें से आपको ऑप्शन आएगा कि किधर सेव करना है। आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए और वो अपने आप सेव हो जाएगा। अभी मैंने सेव किया हुआ है तो मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। अभी ये हो जाएगा सेव डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपको ऐसा एक सेटअप दिखेगा, आपको सिंपली एंटर दबाना है उसे सेलेक्ट करके, फिर ऐसी स्क्रीन आएगी, आपको सेलेक्ट करना है यस। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल, ये अपने आप इंस्टॉल कर देगा। अभी जब ये इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा, लॉन्च ओबीएस स्टूडियो 25.0.4 को आप सेलेक्ट कीजिए और फिर सिंपली फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही शुरू होगा ये ओबीएस, आपको ऐसा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है नो। गलती से यस पे क्लिक मत कीजिएगा, आपको क्लिक करना है नो पे। और फिर जब ऐसा वापस आएगा आप सिर्फ ओके कर दीजिए। फिर ऐसी विंडो जब खुलेगी, हम पहले तो डिस्प्ले कैप्चरिंग डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे। सोर्सेस पे आपको सेलेक्ट करना है प्लस और फिर सेलेक्ट कीजिए डिस्प्ले कैप्चर, ओके और फिर वापस ओके। इससे जो भी ही आपकी स्क्रीन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको सेलेक्ट करना है वापस प्लस और फिर आपको सेलेक्ट करना है वीडियो कैप्चर डिवाइस, ओके और फिर वापस ओके। इससे जैसे कि आप देख सकते हैं आपका वेबकैम चालू हो जाएगा। अब वेबकैम को आप ड्रैग करके उसे पोजीशन कर सकते हैं। हम ये प्रेफर करेंगे कि आप राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ प्लेस कीजिए उसे। आप चाहे तो उसे क्रॉप भी कर सकते हैं, पर आपको क्रॉप करते वक्त ध्यान में रखना है कि आप ऑल्ट की दबाएं और फिर उसके साथ ड्रैग कीजिए, तो देखिए अब ऐसा क्रॉप हो जाएगा वो। फिर अब हम देखेंगे कि इसे क्रोमा कैसे करें, यानी कि जो इसका पीछे का ग्रीन बैकग्राउंड है वो रिमूव कैसे होगा। उसके लिए आपको एक पीछे ग्रीन कपड़ा चाहिए या फिर कोई भी ग्रीन पेंटेड दीवार चलेगी। क्रोमा करने के लिए सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ सोर्सेस में, फिर उसे राइट क्लिक करके फिल्टर्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, इफेक्ट फिल्टर्स में प्लस क्रोमा की, ओके। अब आपको आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप के हिसाब से इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है ताकि वो प्रॉपरली क्रोमा हो, पर अभी मुझे लग तो नहीं रहा है कि मुझे कोई ज़रूरत है सेटिंग में चेंज करने की, तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। और फिर मुझे यहाँ दिख रहा है कि पीछे का जो भी पूरा ग्रीन बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अभी मैं उसे थोड़ा सा छोटा कर देता, ठीक है। अब हम इसमें कुछ ऐसे फिल्टर्स डालेंगे जिससे हमारा जो ऑडियो कैप्चरिंग है वो अच्छा हो जाएगा। पहले तो डेस्कटॉप कैप्चर, हमें यहाँ डेस्कटॉप कैप्चरिंग नहीं चाहिए तो इसे मैं म्यूट कर दूँगा। फिर माइक कॉक्स, यानी ये जो आपके माइक्रोफोन जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसे सेलेक्ट करना है। तो आप इसमें देख रहे हैं गेयर का ऑप्शन, आप इसे सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करना है फिल्टर्स, आपको इधर सेलेक्ट करना है प्लस नॉइज सप्रेशन और ओके। अभी आपको इसे -30 dB पे सेट करना है। अगर ये -30 dB पे नहीं है तो आप उसे -30 dB पे सेट कर दीजिए। सेम मेथड में आपको प्लस करना है नॉइस गेट, ओके।
अब इसमें पांच पैरामीटर्स हैं टोटली। पहला पैरामीटर क्लोज थ्रेशोल्ड, आपको ये सेट करना है -60 dB। और ओपन थ्रेशोल्ड को आप सेट कीजिए -20 dB पे। अभी बाकी के तीन, अटैक टाइम को आप चेंज कर दीजिए 15 ms, होल्ड टाइम 200 ms, और फिर रिलीज टाइम को कर दीजिए 100 ms। वापस सेलेक्ट कीजिए प्लस, और इस टाइम आप ऐड करेंगे गेन। ओके, अब ये गेन को आप कर दीजिए 2.04 ms, 2.40 dB, और फिर सेलेक्ट कर दीजिए क्लोज। आपको इसमें ध्यान रखना है कि खाली ये तीन फिल्टर्स हों, आपको इसमें और कोई सा भी फिल्टर नहीं रखना है। देखिए, गेन, नॉइस गेट, नॉइस सप्रेशन, फिर क्लोज। अब हम देखेंगे कि अगर आप एक्सटर्नल ऑडियो यूज करते हैं तो आप वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप यूज करें तो उसमें माइक्रोफोन हो सकता है कि उसमें माइक्रोफोन ना हो, तो आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग्स, और फिर यहाँ आपको जाना है ऑडियो में। अब ये ऑडियो में आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ से करना है। जैसे कि पहले तो डेस्कटॉप ऑडियो नहीं चाहिए हमें, यहाँ माइक ऑक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इंटरनल माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, पर अगर आप कोई दूसरा माइक्रोफोन कर यूज़ कर रहे हो जो एनेबल्ड है तो आपको वो सेलेक्ट करना है इधर से। फिर जब ये हो जाएगा, अब हम देखेंगे कि जो हमारा अगर जब वीडियो हो जाएगा तब वो किधर सेव हो रहा है। उसके लिए आपको जनरल पे क्लिक करना है, सॉरी आपको आउटपुट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ आपको देखेगा कि जो आपका वीडियो है वो किधर सेव हो रहा है। समझे कि अगर आपको वो सारे वीडियोस जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप यहाँ से ब्राउज कीजिए डेस्कटॉप, और फिर सेलेक्ट फोल्डर। तो देखिए यहाँ दिख रहा है कि फाइल पाथ चेंज होके डेस्कटॉप पे हो चुका है। अभी आपको इसमें सेटिंग्स में और कोई सा चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को MKV से MP4 कर सकते हैं। अगर चाहे तो MKV भी रख सकते हैं, पर इट इज़ मोर प्रेफरेबल कि आप MP4 रखें। जब ये MP4 पे रखा है आप अप्लाई कर दीजिए उसे, और फिर ओके। तो अब हम देखेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले ये कंट्रोल्स में आपको दिख रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जाइए जो भी PPT है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक PPT है, और फिर आपको ये स्लाइड शो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और फिर जो भी आपको बोलना है आप बोलते जाइए। वो आपके PPT के साथ आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेगा अपने आप, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आपको ये PPT एस्केप करनी है, ये ESC के की से OBS में जाइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग। और फिर अब हम देखते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है हमारी कहाँ सेव हुई है। अभी मैंने उसे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किया हुआ है, मिनिमाइज करूँगा मैं, और फिर यहाँ डेस्कटॉप पे मुझे एक रिकॉर्डिंग दिख रही है, अब मैं उसे प्ले करूँगा खाली। फिर क्लिक करना है, आप जाइए जो भी PPT है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक PPT है, और फिर आपको ये स्लाइड शो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और फिर जो भी आपको बोलना है आप बोलते जाइए। वो आपके PPT के साथ आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेगा अपने आप, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आपको ये PPT एस्केप करनी है, ESC की से OBS में जाइए, स्टॉप रिकॉर्ड।